दोस्तों मैं हूँ करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों ये मेरे पास एक कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर के ज़रिए से मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये क्लियर कर लें, एकदम कंफर्म कर लें 100% कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या रिले ऑयल भी ख़राब है या वायर ख़राब है या कहीं और से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में एकदम 100% ये क्लियर करने वाला हूँ कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं एकदम 100% कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या कुछ और चीज़ ख़राब है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्रेसर नहीं ख़राब रहता है तब भी वो सही तरीके से चेक नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं कंप्रेसर ख़राब है जबकि ख़राबी कहीं और रहती है। तो जब कोई दूसरा बंदा जाता है वहाँ पे तो वो देखता है तो बोलता है कंप्रेसर सही है, कुछ और फॉल्ट है, जब उसको सही कर देता है तो फिर उसको सही कर देता है तो कस्टमर जो है पहले वाले टेक्नीशियन को कभी नहीं बुलाएगा और ना ही बुलाता है तो फिर उसका वो कस्टमर टूट जाता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे 100% क्लियर कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या सही है। और अगर इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आप क्लियरली पता कर पाएंगे कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या कोई और चीज़ ख़राब है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो उसमें रिले ओवरलोड लगा रहेगा दोस्तों, उसका जो डिफ्रीजर से कनेक्शन किया गया रहेगा वायर से, उसे अलग करना है। मतलब इसको अलग करना दोस्तों, देखिए इसको इस तरीके से आपको निकालना है रिले ऑयल पी के, इसके पहले देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेना है बाहर। अब इसको हटाना है साइड में, इसको रख देना साइड में। अब ये हो गया सिर्फ खाली कंप्रेसर। अब यहाँ पे आपको चेक करना है अच्छी तरीके से दोस्तों कि यहाँ पे इसके तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी दोस्तों नहीं आती है तीनों पॉइंट पे या फिर किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं आती है तो इसका मतलब ये कंप्रेसर यहीं से अब ख़राब है, मतलब कंप्रेसर ख़राब है। अगर इस पे कंटिन्यूटी आती है तो अब दोस्तों आपको इसको डायरेक्ट स्टार्ट करना है। आपको इस कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करना है, एक तो डायरेक्ट स्टार्ट करना है, फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा जिससे कि ये 100% आप क्लियर कर पाएंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये इसको हटाएंगे आप रिले ओवरलोड को, फिर उसके बाद जो तीन पॉइंट रहेगी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, तो इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको एक तार लगा देना है इस पर कॉमन वाले पे और एक लगा देना इसके रनिंग वाले पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दो वायर हैं जिसमें मैं थिम्बल लगा लिया हूँ, तो इसी से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इसको। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी इसी तरीके से बना लें दो वायर, ताकि आप इससे इसमें लगा करके और फिर इसको इस बोर्ड में लगा करके आप चेक कर लें यहाँ शॉर्ट मार करके कि हाँ ये कंप्रेसर सही है ख़राब है। तो इसी से मैं चेक करता हूँ साइड पर जा करके दोस्तों, इसी वायर से जो दो वायर में बनाया हूँ थिम्बल लगा करके। तो अब इसको करना है आपको डायरेक्ट स्टार्ट। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें रनिंग कौन है, कौन कॉमन है, कौन स्टार्टिंग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं रनिंग कॉमन स्टार्टिंग की पहचान के लिए। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे पहचाने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जहाँ जाके आप रनिंग कॉमन स्टार्टिंग को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना है कॉमन वाले पे, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला जो होता है वो कॉमन का होता है। तो ऊपर ये है अलग वाला पॉइंट, इसका मतलब ये कॉमन का है। तो अब यहाँ पे हम कॉमन वाले पॉइंट पे इसको लगा देंगे सिंपली, देखिए इस तरीके से हम इसको खोज देंगे, ये हो गया। अब कॉमन वाले न्यूट्रल दे दिए, अब क्या है इस ये जो दो पॉइंट हैं इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है, आपको रनिंग वाले पॉइंट पे ही देना, मतलब इसमें ये रनिंग वाला पॉइंट है। तो आप मीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझको पता है तो मैं इस पर रनिंग वाले पे इसको सप्लाई देता हूँ। तो चलिए एक रनिंग वाले पे दे दिए फेज और न्यूट्रल जो था उसको दे दिए कॉमन वाले पे। तो आप फेज़ ऊपर कॉमन वाले भी दे सकते हैं और न्यूट्रल जो है इस पर भी दे सकते हैं रनिंग वाले पे, उसमें कोई मसला नहीं। तो हमें रनिंग और कॉमन पे सप्लाई देना है और रनिंग फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे इस अपने बोर्ड में। देखिए इसको हम लोग डाल देंगे बोर्ड में, अब दोस्तों जो ये तार है इसको बोर्ड में डालेंगे। और अब इसको डालने के बाद स्विच को ऑन करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि आपको अब शॉर्ट मारना रनिंग और स्टार्टिंग से, जब जैसे ही स्टार्ट मारेंगे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए उसके पहले दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम मीटर भी लगाएंगे। अब जो मेन पॉइंट उसको समझिए, कभी कभार ये चल जाता है कंप्रेसर, हम कहते हैं कि भैया आपका कंप्रेसर सही है और जब रिले ओवरलोड ला के लगाते हैं, कहते हैं रिले ख़राब है या ओवरलोड ख़राब है, जब उसको लगाते फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो पाता है, ओएलपी बार बार इसको कट कर देती है।
तो उसी मसले को ख़त्म करेगा हमारा ये मीटर। जब हम मीटर लगाएंगे तो वहाँ पे हम चेक करेंगे इसका एम्पियर, इसका एम्पियर कितना ले रहा है। तो एम्पियर दोस्तों आप देख लेंगे सबसे पहले फ्रिज के बॉडी पे, डीप फ्रीजर के बॉडी पे, उस पर लिखा रहेगा जितना भी एम्पियर लिखा है उस पर, 0.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर या फिर 1.5 एम्पियर, डीप फ्रीजर फ्रिज जितना भी उसके स्टिकर पे लिखा हुआ है फ्रिज पे, तो उससे कम ही लेना चाहिए। अगर उससे कम ले रहा है तो कंप्रेसर आपका सही है, और अगर उससे ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब कंप्रेसर आपका ख़राब है। तो चलिए इसको हम पहले इसमें कनेक्ट कर देते हैं। देखिए एक वायर में, किसी भी वायर पे कर सकते हैं आप, चाहे न्यूट्रल चाहे फेस में, और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ एम्पियर पे। तो देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये मैं इसको सेट कर देता हूँ एम्पियर पे। तो ये एम्पियर पे सेट हो गया। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट और इसको मारेंगे इस टेस्टर की मदद से स्टार्ट, रनिंग और स्टार्टिंग को। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसको स्टार्ट दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया स्टार्ट, अब इनको मारेंगे हम स्टार्ट। तो अब स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, अब स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ से ये, देखिए यहाँ से प्रेशर फेंक रहा है। अब इतना ही पे सही नहीं मान लेंगे कि स्टार्ट हो गया सही है, नहीं। अब ये स्टार्ट हो गया तो हमें एक चीज़ और चेक करना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों हमारा जो एम्पियर है, देखिए थोड़ा सा रीडिंग थोड़ी सी कट गई है इसकी, मतलब ये मीटर में थोड़ा सी कमी आ गई है, ये 0 है ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा एम्पियर ये ले रहा है दोस्तों, ये डीप फ्रीजर का, मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो हमारा कंप्रेसर है ये डीप फ्रीजर का कंप्रेसर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एम्पियर ये ले रहा है कंप्रेसर, ये ले रहा है 0.9 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर से कम एम्पियर ये ले रहा है। जबकि जो हमारा डिफ्रीजर दोस्तों होता है वो लेता है 1.2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर लेता है गैस के लोड पे। तो यहाँ पे गैस नहीं है दोस्तों, इसमें गैस नहीं, तो इसको वजह से ये जब बाहर निकाल के हम चेक करें तो इसके वजह से ये सादा कंप्रेसर चल रहा है, तो इसकी वजह से ये 0.9 एम्पियर, मतलब जितना एम्पियर उस पर लिखा हो डीप फ्रीजर पे उससे कम लेना चाहिए। तो मतलब उससे कम ले रहा है ये एम्पियर, तो इसका मतलब दोस्तों कि ये जो हमारा कंप्रेसर है ये 100% सही है। दोस्तों अगर यही कंप्रेसर जो डीप फ्रीजर का है ये अगर 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, 4 एम्पियर अगर लेता चलता भी, तब भी ये कंप्रेसर ख़राब रहता, क्योंकि इसके एम्पियर्स बढ़ चुके हैं। एम्पियर बढ़ जाएंगे तो फिर रिले ओवरलोड पे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये एम्पियर बहुत सही ले रहा है, 0.9 एम्पियर ले रहा है सादा, मतलब कि इसके ऊपर दोस्तों कोई गैस का लोड नहीं है, तो 0.9 एम्पियर, देखिए 9 एम्पियर, 8 एम्पियर ले रहा है ये। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये कंप्रेसर हमारा 100% सही है। तो इस तरीके से आपको भी डायरेक्ट चला के उसके बाद फिर एम्पियर लगा के चेक करना है, और ये देखना है कि उसके फ्रिज या डीप फ्रीजर के जो बॉडी पे स्टिकर लगा है उस पर कितना एम्पियर लिखा गया है। तो उससे कम एम्पियर अगर ये ले रहा है कंप्रेसर चलाने के बाद डायरेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर 100% सही है। अब आप कस्टमर से कह सकते हैं कि हाँ आपका कंप्रेसर 100% सही है। अब जो फॉल्ट है या तो ये रिले में है या ओवरलोड में है या थर्मोस्टेट में है या फिर आपका कोई वायर जो है आपके फ्रिज का या आपके डिफ्रीजर का ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर आपका रन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं 100%। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।